जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन रविवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल अष्टमी आज भी है। कल भी अष्टमी था, आज भी अष्टमी लिखा। मैं दूसरी राधा कृष्णप्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम साक्षात दंडवत, बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। बहुत दिनों से मनुस्मृति के बारे में कई बार चर्चा किए हैं, संदर्भ दिए हैं कि मनुस्मृति ऐसा है, उसमें सारे नियम हैं, मनुष्य कैसे क्या क्या करेगा, उठेगा कैसे, बैठेगा कैसे, वो सब नियम उसमें दिया होगा। तो वो आज मिल गया, ये पुस्तक मनुस्मृति। ये रणधीर प्रकाशन हरिद्वार का है और इसके तो संस्कृत भाषा में रहा होगा, तो अनुवादक पंडित ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी। ये इसमें संस्कृत भाषा में श्लोक दिए हुए हैं, उसका अनुवाद दिया गया हिंदी में। और ये वर्ष 1992 का तृतीय संस्करण है। इसको हमने लिया था कब, तेरह ग्यारह 1992 का, इसमें तारीख लिखा हुआ है। ये पढ़ने में आया कि नहीं, क्या मान लिया ये सीमा रानी को सप्रेम भेंट, और हिंदी में हमारा हस्ताक्षर है, और 13/11/1992 लखनऊ, इतना लिखा हुआ है। तो सीमा रानी हमारी धर्मपत्नी का नाम हमने रखा था सीमा, असल नाम उसका पिता माता का घर का नाम वीना, वीना हमने सीमा रखा था विवाह के बाद, तो उनको दिया था, लेकिन वो उसको कोई इसका मूल्य नहीं दिए और इसका कोई आदर नहीं किए, ना पढ़े इसको ना इसके कोई शिक्षा ग्रहण की। औरत का अहंकार है कि मनुस्मृति क्या बताएगा, हम जानते हैं सब। तो प्रथम अध्याय इसका ओम श्री गणेशाय नमो से शुरू हुआ है मनुस्मृति। उससे पहले इसका जो अनुवादक ने प्राक कथन लिखा है मनु के विषय में, तो मनु को कह रहे हैं ये स्वयंभव, स्वयंभव मनु है, स्वयंभुव मनु। जैसे आजकल कह रहे हैं पार्लियामेंट और असेंबली वगैरह में नियम कानून बनते हैं सब, तो उसी तरह से पहले जमाने में मनु स्मृति स्मृतियां रची जाती थी, ऋषि मुनि जो है स्मृति रचना करते, तो उसमें मनुस्मृति विख्यात है और प्रधान है, सबसे प्राचीन मनु की है। इसको बनाने वाले हमारे पूर्वज मनुष्यों के पुरखा मनु महाराज, सारे मनुष्य में के पूर्वज मनु महाराज जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। तो सृष्टि रचना मनुष्यों की रचना होने से पहले ही वो मनुस्मृति तैयार करके रख दिए थे, ताकि मनुष्य समाज जब होगा तो वो उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। जिन्हें स्वयंभुव मनु कहते हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि मनुस्मृति जो आजकल ये उपलब्ध है ये पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। पहले जो मनुस्मृति था ओरिजिनल, उसमें 100,000 श्लोक थे, तो उतना श्लोक इसमें नहीं है, और उसमें कोई परिवर्तन भी हो गया है ऐसा भी अनुमान लगाया गया है इसमें। और एक मनु नहीं, कई मनु हुए हैं, लेकिन स्वयंभुव मनु जो है वो स्वयंभुव मनु ये तो एक हैं, इन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। इस तरह से प्रारंभिक प्राकथन के बाद जो है पहला अध्याय शुरू हुआ। पहला अध्याय में ऋषियों जो है बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, और वहाँ पे मनु महाराज हैं, तो ऋषि मुनि उनसे कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि
सभी वर्णों तथा जातियों के धर्मों के अनुसार जैसी जैसी धर्म व्यवस्था है उसे आप ही हम लोगों से कहें, क्योंकि आप ही जानते हैं सब चीज, हम लोग पूरा नहीं जानते हैं, तो इसलिए आप हमको बताइए उसको। तो उसके बाद मनु महाराज जो है अपना बताना प्रारंभ किए कि पहले ये संसार जो है अंधकार पूर्ण था, जब भगवान की सृष्टि रचना का महासर्ग वाली बात कह रहे हैं कि अंधकार ही अंधकार था, कोई चीज ना दिखाई पड़ता था ना कोई चीज था, कोई प्रत्यक्ष जानने वाली वस्तु भी नहीं था, और सभी और अज्ञान और शांत शून्य अवस्था, अज्ञान और शून्य। तो इसी में जो है प्रलयावस्था के नाश करने वाले लक्षण सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त अव्यक्त स्वयंभू भगवान महाभूतादि पंच तत्वों का प्रकाश करते हुए प्रकट हुए। उस अंधकार की स्थिति में एक सत्ता जो रहने वाला है, वाले हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो परम ब्रह्म हैं, जो परमात्मा हैं, जो भगवान हैं, वो अकेले रहते हैं, बच जाते हैं। महाप्रलय जब हो जाता है सब नष्ट हो जाते हैं, शंकर ब्रह्मा रुद्र देवता ये सब जितने भी हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं, केवल भगवान जो रहते हैं परात्पर ब्रह्म वही केवल रहते हैं। तो वही फिर अपने से सब सृष्टि रचना करते हैं। तो वो क्या किए कि पंच महाभूत को ले करके वो प्रकट हो, पंच महाभूत क्या, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ये आधार हैं हमारे मनुष्य जीवन का या सृष्टि का, मनुष्य जीवन छोड़ दीजिए, पूरे सृष्टि का आधार ये पंच महाभूत ही, इन्हीं से सृष्टि बना है। हमारा शरीर भी जो है ये भी पंच महाभूत से बना है, खाली हमारा मनुष्य भी नहीं, पशु पक्षी जो कीट पतंग जितने भी जीव हैं, वृक्ष लता आदि जितने भी, उसको कहते हैं स्थावर और जंगम, दोनों, जंगम मतलब चलने फिरने वाला, स्थावर मतलब एक जगह रहने वाला, वृक्ष लता जो है एक जगह रहते हैं, लता तो थोड़ा चलता भी है चलती भी है अच्छा चलिए। तो इसी तरह से ये सृष्टि रचना का इसमें प्राक कथन जैसा प्रथम अध्याय में मनु महाराज ने सबको बताया है और समझाया है, संपूर्ण सृष्टि के कारण अव्यक्त नित्य सत असत स्वरूप जो पुरुष उससे उत्पन्न हुआ उसे संसार में ब्रह्मा नाम से कहते हैं, और वर्ष पर्यंत उस अंडे में रहकर ब्रह्मा ने स्वयं अपने ही ध्यान से उस अंडे को दो खंड कर दिए। भगवान जो है एक अपने तेजस्वी वर्ण का अंडा प्रस्तुत किया था, वह अनेक प्राणियों के उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान कर अपने शरीर से जल उत्पन्न कर उसमें बीज स्थापन की, भगवान जो एक भगवान थे अपने शरीर से जल उत्पन्न किए और उसी में बीज स्थापन किए जिससे ये सुवर्ण वर्ण का अंडा प्रस्तुत हुआ। वो अंडा जो है वही उसी में से जो है ब्रह्मा उत्पन्न हुए, मतलब उनके भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए ऐसा हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं सृष्टि के कारण स्वयं जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसे संसार में ब्रह्मा नाम से कहते हैं। तो भगवान अपने शरीर से नार जल को नार कहते हैं, तो जल उत्पन्न किए और उसको स्थापित किए अपने में ही स्थान दिए, पहले अयन हुआ जिसका पहले अयन हुआ स्थान हुआ भगवान स्वयं हुए, इसलिए उसका नाम नारायण हुआ, नार और अयन मिला करके नारायण, तो वही जल में स्थित भगवान हैं। तो इसमें दो अंडे, अंडों को दो खंड किए तो उसमें आकाश पृथ्वी और मध्य में स्वर्ग आठों दिशाएं और आठ समुद्र जल के स्थान बनाए, इसमें समुद्र आदि जल मुख्य है, सृष्टि का आधार जल जो है यही मुख्य है। इसी तरह से इसमें सृष्टि रचना की बातें की हैं, मैं बीच बीच में से पढ़ दे रही हूँ थोड़ा बहुत जो भी है जो महत्वपूर्ण है। सृष्टि के आदि में ही ईश्वर ने उन सब के नाम और कर्म वेद के अनुसार ही नियत कर उनकी अलग अलग संख्याएं बना दी। उस ब्रह्मा ने देवताओं
और सभी जीवों की यथा सूक्ष्म साध्य गणों की सृष्टि की और ज्योतिष अष्टमोदी सनातन यज्ञों को भी बनाया। ये सब चीजें जो है धीरे 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 प्रकट करने लग पड़े वो लोग बनाए हैं। और इसमें एक जगह था कि वो 10 या 8 ऋषि जो हैं उनको भी बनाए हैं, वो कहाँ चला गया ये उस मैंने सृष्टि की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या करके प्रजाओं के पति 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। ये सृष्टि रचना का ठोस कार्य है जिसमें 10 ऋषि उत्पन्न हुए और ये ऋषि का नाम है मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। ये 10 महर्षियों के नाम है। तो ये लोग फिर अपना जितने भी यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुपर्ण पितरों का अलग अलग गणों को बनाया। विद्युत, वज्र, मेघ, मेघ, रोहित, इंद्र, धनुष, उल्का, निर्वात, कृत, केतु और बड़े छोटे नक्षत्रों को उत्पन्न किया। मतलब ये विराट सृष्टि का एक एक हिस्सा जो है वो सब पर्टिकुलरली उसको विशिष्ट रूप से उसको किन्नरों, बानरों, अनेक प्रकार का मत्स्य, पक्षियों, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पतंग, जोंक, मक्खी, मच्छर, अनेक प्रकार के स्थावर जीवों को उत्पन्न किया। मेरी आज्ञा से कह रहे हैं तो सब चीज तो भगवान की आज्ञा से है। तो इस तरह से ये सृष्टि रचना है। उसके बाद युगों की रचना की बात कर रहे हैं। दिन और रात का भी को भी जन्म दिए, दिन और रात भी बनाए। सोने के लिए रात और काम करने के लिए दिन है, ये बुनियादी नियम है। आजकल लोग नाइट शिफ्ट करते हैं और रात को भी काम करते रहते हैं, वो सनातन धर्म के जो नियम है उसका विपरीत है, उसका उल्लंघन है, वो अच्छी बात नहीं है। नाइट शिफ्ट करना, नाइट शिफ्ट रखना ही नहीं चाहिए किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पर। रात दिन काम करने का कोई नियम नहीं होता। रात जो है सोने के लिए, उसी में वहाँ मनुष्य का शरीर का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य दोनों ठीक रहते हैं। उसके बाद फिर इसमें कह रहे हैं कि मनुष्यों के मास के बराबर पितरों का एक रात दिन अहोरात्र होता है। एक महीना जो मनुष्य का होता है पितरों का, उसका उसका और छोटा होता है। एक दिन सिर्फ, एक दिन एक रात मिला करके वही एक महीना हमारा, तो उनका एक दिन एक रात पूरा हो। मास में 2 पक्ष होते हैं, मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। शुक्ल पक्ष में पितर जो है उनका वो रात होता है और कृष्ण पक्ष जो है वो उसमें वो पितर काम करते हैं। मनुष्यों के 1 वर्ष के तुल्य देवताओं का अहोरात्र होता है। एक मास के लिए पितरों का हो गया एक दिन एक रात, और देवताओं का जो है मनुष्य का 1 वर्ष पूरा होने पर उनका एक अहोरात्र होता है। देवताओं का एक दिन एक रात होता। उत्तरायण के 6 महीना उनका दिन है और दक्षिणायन का 6 महीना रात्रि है। उत्तरायण और दक्षिणायन ये हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पश्चिमी सभ्यता वाले इसका महत्व समझते ही नहीं है। यहाँ सब चीज वैज्ञानिक है। आज भी उत्तरायण दक्षिणायन में वो संक्रांति आदि जो भी होता है उसमें बहुत उसको ध्यान से उत्सव मनाया जाता है, पर उसको कुछ रिचुअल्स करते हैं, कर्मकांड के कुछ काम करते हैं। ब्रह्मा के रात दिन का एक एक युग का जो प्रमाण है वह क्रमशः इस प्रकार है। देवताओं तक हो गया था, ब्रह्मा का रात दिन जो है और वो और बड़ा होता है।
एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक के समय को सौर मास कहते हैं। 12 सौर मासों का एक वर्ष होता है। चार हजार वर्षों का सत्ययुग होता है। अन्य तीनों युगों का मान क्रमशः एक से दूसरे की वर्ष संख्या में एक एक घटाने से होता है और उतने ही सौ वर्ष उनके संध्या और संध्यांश होते हैं, जिससे 3000 वर्ष का त्रेता और 300 वर्ष की संध्या, द्वापर का 2000 वर्ष का द्वापर और 100 वर्ष का संध्या संध्यांश और 1000 वर्ष का कलयुग और 1 वर्ष का संध्या संध्यांश। वो दिव्य वर्ष की बात कर रहे हैं। ये कलयुग 1000 वर्ष कह दिया, 1000 नहीं है, वो ज्यादा है, मनुष्य का वर्ष के हिसाब से ज्यादा होगा। ब्रह्मा के रात दिन का एक एक युग का जो प्रमाण है वह क्रमशः ये ब्रह्मा के हिसाब से बना बता रहे हैं। तो इसमें स्पष्ट कर दिया है सत्ययुग का मान जो है वो 4800 दिव्य वर्ष में और सौर वर्ष में, मतलब मनुष्यों के वर्ष में कलयुग से शुरू करते हैं, सत्ययुग से नहीं। कलयुग से शुरू से उसका दुगना दुगना बढ़ता जाता है। कलयुग का वर्ष हमारा जो है मनुष्यों के हिसाब से 4,32,000 वर्ष। अभी 5000 से कुछ ज्यादा, 5,500 वर्ष निकला है कलयुग, और 4,32,000 में से 5,000 निकाल देने से 27,000 बचा। 4,27,000 अभी कलयुग बाकी है। तो कितना समय कलयुग, अभी घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में क्या क्या विपत्तियां होंगी, कैसे लोगों का चरित्र खराब हो जाएगा और कैसे अपराध बढ़ेगा और क्या क्या होगा दुर्गति, ऐसा वर्णन आता है, वो भी देखेंगे। कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्ष और 4,32,000 मनुष्यों के सौर वर्ष जिसको कहते हैं। तो 4,32,000 का दुगुना 8,64,000 वर्ष को द्वापर युग, और 4,32,000 का तीन गुना वो त्रेता युग 12,96,000 तीन गुना, 4,32,000 को तीन गुना कर देने से 12,96,000, और फिर कलयुग का चार गुना जो है वो सतयुग है, वो 17,28,000 और 4800 दिव्य वर्ष। तो इस तरह से ये बिल्कुल सटीक है। ये ज्ञान भी पश्चिमी सभ्यता को नहीं है, क्रिश्चियनिटी को ये बात जानते, क्रिश्चियनिटी तो बना इसी समय कलयुग में। ये हमारा धर्म तो अनादि है, इसका कोई गणना हिसाब नहीं है कि कब से ये है, ये कब से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है सनातन धर्म। इसलिए कि सनातन का अर्थ यही है कि जो हमेशा के लिए रहता है सनातन, इसका कभी अंत हुआ ही नहीं हमारे धर्म का, ना होगा। हमारा धर्म का चाहे जितना कन्वर्शन जो कहते हैं, हिंदू से मुसलमान बना देते हैं, हिंदू से क्रिश्चियन बना देते हैं, चाहे जितना कर लें, हमारा धर्म कभी खत्म समाप्त नहीं हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता। ये सनातन धर्म की महिमा है, इसको तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन देख लो चाहे जितना मॉडर्न हो जाए आदमी, जो पश्चिमी सभ्यता का या पश्चिमी देशों का नंगापन भी तुम लोग आजकल यहाँ स्वीकार कर लिए हो और खुद नंगे होने का चेष्टा कर रहे हो बहुत, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हारे घर में हिंदू धर्म का संस्कार और पवित्रता कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, तुम जितना कोशिश चेष्टा कर लो, रह ही नहीं सकते हो सा, तुम्हारा तुम पागल हो जाओगे अगर पूरा पश्चिमी सभ्यता ऐसा रहना शुरू कर दो, तो वो नहीं हो सकता है। तुम्हारा हमारा संस्कार कहीं ना कहीं आएगा तुमको संभालने के लिए, हिंदू धर्म भगवान संभालेंगे किसी ना किसी प्रकार से।
ये सनातन धर्म की महिमा है, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ और भगवान इसके रक्षा करने वाले हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि कल थे और आज नहीं है, जो कोई चीज उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान हैं, कल थे भी, आज हैं भी और आगे रहेंगे भी, और एक एक हरकत तुम्हारा भगवान नोट करेंगे। चाहे जितना नंगा होना हो लो तुम, जितना अपना ब्रेस्ट दिखाना है या बैक दिखाना है या क्या दिखाना है वो दिखा दो सब, भगवान एक एक हरकत तुम्हारा नोट करेंगे सब चीजों का, और तुम्हारा उसका फिर हिसाब किताब करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे को तुमको फिर ठिकाने लगाएंगे उसी हिसाब से। सावधान रहना, सनातन धर्म है ये क्रिश्चियनिटी नहीं है कि अभी पैदा हुआ है इसी कलयुग में और फिर नष्ट हो जाएगा या जो भी होगा, सनातन धर्म है। तो इसमें सब चीज सटीक और वैज्ञानिक है। पहले जो 12,000 वर्ष का देवताओं का युग बताया गया है उसके 71 गुने 85852 और 000 852,000 वर्ष का एक मनमंत्र होता है, और एक मनमंत्र तक एक ही मनु के हाथ में सृष्टि संचालन का भार रहता है। मनु का कार्यकाल जो होता है एक मनमंत्र का होता है, और वो देवताओं के हिसाब से 852,000 वर्ष का एक मनमंत्र हुआ। मनमंत्र और उत्पत्ति प्रलय असंख्य है, अनादिकाल से चल रहा है ना, तो इसमें कितने समय निकल चुका है। परम धाम में रहने वाले परमेष्ठी परमात्मा यह सब खेल की तरह बार बार करते रहते हैं। इसमें करता रहता है लिखा हुआ है, थोड़ा सा भगवान मेरे स्वामी स्वयं पतिदेव है तो इसलिए करते रहते हैं। धर्म चार चरणों में रहता है। सत्ययुग में धर्म जो है, धर्म के चारों चरण रहते हैं। ठीक, सत्य रहता है, कोई मनुष्य किसी के साथ अधर्म का व्यवहार नहीं करता। अन्य युगों में अधर्म से धन विद्यादि के अर्जन द्वारा धर्म का बल घटता है। चोरी मिथ्या और कपट से क्रमशः धर्म के एक चरण का ह्रास होता है। अभिप्राय यह है कि त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण और कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा रहता है। कलयुग में धर्म के मामले में सबसे कमजोर है कलयुग। सत्ययुग में कह रहे हैं कि आयु जो है 400 वर्षों का है, और त्रेता द्वापर और कलयुग में 100 फिर घट जाता है। त्रेता में 300 हुआ, द्वापर में 200 हुआ और कलयुग में 100 वर्ष आयु। वेदोक्त मनुष्यों की आयु कर्मों के फल और अनुग्रह आदि के प्रभाव के से संसार में प्राणियों को युग धर्मानुकूल ही प्राप्त होता है होती है। सत्ययुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। मतलब धर्म कर्म करना है तो दान दक्षिणा करना है कलयुग में, और सत्ययुग में वो तपस्या सब बहुत बड़े ज्ञानी थे सब लोग, और वो ध्यान योग में बैठ जाते थे, तपस्या करने के लिए बैठ जाते थे बस। और त्रेता में ज्ञान के बल पर उनका
साधना चलता था, द्वापर में यज्ञ बहुत करते हैं। इसमें वो भी दिया था कि अपने सर से ब्राह्मण और बाहों से क्षत्रिय इस तरह का, और चरणों से शूद्र, वो भी कहीं था का उत्पन्न किए ब्रह्मा जो है। ये संसार के विकास के लिए मुख, बाहु, जंघा और चरण से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो भाग कर आधे से पुरुष और आधे से स्त्री बनाकर उसमें विराट पुरुष की मैथुन कर्म से सृष्टि की। मैथुन सृष्टि बाद में हुआ थोड़ा सा। तो मुंह से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र, ये उत्पन्न हुए। ये नियम नियम क्या है उत्पन्न हुए? उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रियो का अलग अलग वर्णन किए। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ उत्पन्न होता है। वह सभी प्राणियों के धर्म कोष की रक्षा में समर्थ है। इस संसार में जो कुछ है वह सब धर्म ब्राह्मणों का है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति होने के कारण वह ब्राह्मण ही इसका अधिकारी है। तो ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं कहा गया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कहा गया है, मनुस्मृति में ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपना ही दान देता है, अर्थात दूसरे का अन्न, वस्त्रादि सब ब्राह्मण ही का होता है। अर्थात दूसरे का अन्न, वस्त्र आदि सब ब्राह्मण ही का होता है। मतलब दूसरों के पास जो अन्न, वस्त्र आदि हैं भी, वो ब्राह्मण का ही माना जाता है, ब्राह्मण का ही है। तो वही अगर उनसे वो मिलेगा खाने के लिए तो वो अपना ही खाएगा। ऐसा नहीं कि भिक्षा में मिला है तो खा रहा है, ऐसा नियम नहीं। कहीं से मिलेगा अन्न तो वो अपना ही खाएगा। जैसे भगवान का सब कुछ है और त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यं एव समर्पये, हम लोग कहते हैं कि आप ही का वस्तु आपको सेवा में लगा रहे हैं भगवान के लिए, ऐसा कहते हैं। तो वही बात ब्राह्मणों के लिए भी लागू है। ब्राह्मण ही की कृपा से अन्य लोग पदार्थों को भोगते हैं। जो उनके पास होता है अन्न, जल, वस्त्र आदि, वो ब्राह्मण की कृपा से उसके पास होता है। ब्राह्मण का कृपा ना रहे तो उसके पास ना हो। ब्राह्मण और अन्य वर्णों के कर्मों को जानने के लिए ही बुद्धिमान स्वयंभू मनु ने इस शास्त्र की रचना की। तो जाति धर्म के आधार पर क्या क्या सबका कर्तव्य है, अधिकार है, वो जानने के लिए ये मनुस्मृति की रचना की गई है। विद्वान ब्राह्मण इस शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़े और यत्नपूर्वक शिष्यों को भी पढ़ावे, किसी दूसरे को ना पढ़ावे। ब्राह्मण पढ़े और शिष्यों पर उसको पढ़ाए, बाकी किसी को ना पढ़ाए। इस शास्त्र के अध्ययन करने वाले और इसके अनुसार अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण मनु मन, वचन और शरीर से होने वाले नित्य कर्मों के दोषों से रहित हो जाता। इसका पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को दिया गया। इस शास्त्र में संपूर्ण धर्म कर्मों के गुण दोष कहे गए हैं और चारों वर्णों के धर्म आचार भी कहे गए। श्रुति, श्रुति मतलब वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार ही परम धर्म है,
इसलिए अपनी आत्मोन्नति चाहने वाले ब्राह्मण को हमेशा आचार से युक्त होना रहना चाहिए। तो ब्राह्मण ऐसे ही रहते थे, लेकिन आज कलयुग में वो सब बिगड़ गया है। अपने आचार से ही हीन ब्राह्मण को वेद का फल नहीं होता। जो आचार से हीन होगा उसको फिर फल कैसे मिलेगा, चाहे ब्राह्मण हो तो कैसे फल मिलेगा। आचार से युक्त ब्राह्मण वेद के संपूर्ण फल को पाता है। यही प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। मनुस्मृति इसमें लिखा भी है, प्राकथन में जो अनुवादक हैं ज्वाला प्रसाद त्रिपाठी जी ने ये बात को कहा है कि आजकल जो है जो सरकार कानून बनाता है पार्लियामेंट में असेंबली में जो कानून बनते हैं वो तो लागू होते हैं, लेकिन वही कानून जो मनुस्मृति में हमारे सनातन धर्म के लिए लोगों के लिए बनाया गया है उसको अब नहीं मानते, ये इसमें एक असुविधा है। और सनातन असुविधा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हमारे सरकार तंत्र बना है वो पश्चिमी मॉडल पर बना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार पर यहाँ पे ये डेमोक्रेसी वाली बात प्रजातंत्र की बात आई है। और नहीं तो हमारे यहाँ राजतंत्र होता था, राजा हुआ करते थे और राजा ये सब बातों को मानते थे क्योंकि प्रत्येक राजा का एक गुरु होता था। जैसे भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे, दशरथ के गुरु वशिष्ठ थे, तो वो गुरु सब कार्य संपादित कराते थे राजा से, तो वो वेद उपनिषद के आधार पर वो सब काम होता था और मनुस्मृति के नियमों को माना जाता था। लेकिन जब ये डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र जैसे जिसको कहते हैं वो आ गया है तो पार्लियामेंट का कानून तो मानेंगे और मनुस्मृति का कानून नहीं मानेंगे, ऐसा लोगों का होगी। तो ये दुविधा है, धर्म में संकट है। संकट इस तरह से है कि मनुस्मृति या भगवान का आदेश भगवत गीता या भागवत महापुराण या पुराणों में या मनुस्मृति में तो एक तरह का है, अगर उसका पालन करते रहोगे तो तुम्हारा आत्मकल्याण होगा, भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है, हो गई, जैसे डीके पंडा को हो गया, साक्षात प्रमाण है, भगवान की प्राप्ति भी हो गई और उसकी परम गति भी हो गई उसको पता चला। ये सरकारी तरीके से अगर वो चला होता सरकारी कानून को तो उसमें कोई भगवान की प्राप्ति का गुंजाइश नहीं है, कोई विधान है नहीं वहाँ, कोई नियम नहीं है। लेकिन भगवद गीता में भगवान जो नियम बना दिए हैं उसमें भगवान की प्राप्ति का विधान है और भगवान सत्य है। डेमोक्रेसी सत्य नहीं है, डेमोक्रेसी अभी है कल नहीं है, डेमोक्रेसी अभी बना है कल दूसरा कोई रूप हो जाएगा, उसमें भगवान का कोई स्थान ही नहीं है। उनके जो भारतीय संविधान है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय संविधान में जो लिखे हैं वी दी पीपल ऑफ इंडिया ऐसा लिखे हैं, हम भारतवासी अपने लिए ये संविधान बना रहे हैं और इट इज फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल, इस तरह से कहा जाता है। तो इतने दुर्भाग्य है हमारा जो सनातन ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले में मुखिया था वो भीमराव अंबेडकर, वो सनातन धर्म का पूरा विरोधी, सनातन धर्म छोड़ करके वो पहले सिख होने की चेष्टा किया सिख धर्म में जाने के लिए, उसके बाद वो बुद्ध धर्म में चले गए, महापापी, अपना धर्म परिवर्तन करना, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। तो जब सनातन धर्म का विरोधी है तो वहां भगवान की बात लाएंगे क्यों संविधान में, नहीं तो प्रारंभ में यही लिखना चाहिए कि हम परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र के स्मरण करके उनकी कृपा से ये संविधान उनके आज्ञा अनुसार हम बना रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए। और उसमें जो भगवान के जो नियम है शाश्वत नियम है ये जो सत्यमेव जयते ये लोग ले लिए हैं वो सनातन धर्म का शास्त्र का नियम है, सत्यमेव जयते वो मनुष्य का बनाया हुआ नियम नहीं है। ट्रूथ शैल प्रिवेल, ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ,
तो ये तो धर्म का छोटा सा चीज ले लिए, महत्वपूर्ण चीज है ले लिए, लेकिन भगवान को नहीं लिए। संविधान में भगवान का कोई स्थान नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। और भगवान के कहलाए बताए हुए रास्ते में हम लोग चलेंगे, ऐसा उसमें संकल्प होना चाहिए था। जो संविधान के रचयिता थे उनकी ऐसी बुद्धि तुच्छ हो गई थी कि ये तो वो नेहरू भी कुछ स्त्रियों के संबंध में और कुछ मदिरा पान आदि में वो शायद व्यस्त ज्यादा रहते थे। तो जो मदिरा पान करेगा वो महापाप, मदिरा पान उसको कहाँ धर्म अपना याद आएगा। अन्यथा उसमें भगवान को का उल्लेख होना चाहिए था, सादर सहित भगवान को उसमें सम्मिलित करते हुए भगवान की आज्ञा के अनुसार हमारा ये संविधान हम बना रहे हैं और भगवान के नियमों को उसमें शामिल किया जाता, वो नहीं हुआ। तो मनुस्मृति कानून है सनातन धर्म के लिए। विधि है, विधि कानून विधि एक ही बात। तो इस विधि का एनफोर्समेंट या इसको पालन कराने का काम पुलिस का नहीं है। दूसरे कानून क्रिमिनल लॉ जो है वो पुलिस एनफोर्स करता है या दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट अलग अलग कानून को पालन कराते हैं। इनकम टैक्स वाले अपना कानून पालन कराते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, मुकदमा होगा, फलाना होगा, जुर्माना हो जाएगा, इस तरह के तुम्हारे बैंक से तुम्हारा पैसा हम जबरदस्ती निकाल लेंगे। ये सब इनकम टैक्स अपना काम करता है। उसी तरह सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, कोई भी सामान खरीदोगे टैक्स देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। दुकानदार तुमको सामान तभी देगा जब तुम टैक्स के साथ उसका पैसा दोगे पूरा, चाहे रसीद दे चाहे ना दे। तो इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट अपना अपना कानून को लागू कराते हैं, लेकिन मनुस्मृति को यहाँ कोई भगवान का ऐसा कोई डिपार्टमेंट विभाग ऐसा नहीं बनाए जो कि धर्म का विभाग, धर्म कर्म को सुनिश्चित कराने का विभाग, ऐसा कोई विभाग नहीं है। लूट खसूट करने का सारे विभाग हैं, धर्म करने का कोई विभाग नहीं, धर्म को सुनिश्चित करने का कोई विभाग नहीं। और कभी कभी ये लोग अपने को धर्म निरपेक्ष भी कह देते हैं, आश्चर्यजनक बात है। हाउ कैन यू बी धर्म निरपेक्ष, तुम्हारा जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम करते तो हो हिंदू धर्म के जो संस्कार 16 संस्कार हैं उसी का पालन करते हो, पंडित पुरोहित रहते हैं विवाह कराने के लिए भी और उपनयन संस्कार आदि जनेऊ आदि कराने के लिए रहते हैं, बच्चा पैदा होते ही उसका संस्कार कराते हैं, नामकरण संस्कार और ये सब अन्नप्राशन ये सब चलता, बाल काटने वाला संस्कार, सब लोग मंदिरों में इतना बाल वहाँ इकट्ठा होता है बालाजी में कहते हैं कि उसका कहीं एक्सपोर्ट उक्सपोर्ट करते हैं क्या करते हैं, इतना बाल वहाँ पर जमा हो जाता है छोटे बड़े सबका। तो सब संस्कार सनातन धर्म का तो करते हो, लेकिन उसका एनफोर्समेंट या पालन करने के लिए कोई व्यवस्था सरकारी तंत्र में क्यों नहीं है, और नहीं है तो उसका कोई मांग क्यों नहीं कर रहे हैं तुम लोग जनता, हमको धर्म के रास्ते में चलना चाहिए। संसार राजा का तो गुरु होता था, जो सन्यासी होता था, जो विद्वान होता था, सारे शास्त्रों का ज्ञाता होता था, लेकिन सरकार का जो है भारत सरकार का प्रधानमंत्री का कोई गुरु नहीं है, धार्मिक गुरु कोई नहीं, और उसको धर्म का कोई ज्यादा वो कोई ज्ञान ही नहीं है, बहुत मामूली व्यवहारिक ज्ञान खाली होगा। धर्म वेद उपनिषद और पुराण भगवत गीता इस सबों का ज्ञान कहाँ होगा, नहीं है। तो उनका एक गुरु होना चाहिए, जो शंकराचार्य चार धाम है यहाँ पर, चार धामों का शंकराचार्य वो उनके गुरु होना चाहिए, उनको उनको बार बार उनसे सलाह मशवरा विचार विमर्श करना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, ये सब किया जा सकता है, अव्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक है। म
मुसलमान लोग तो अपना पकड़ धर्म का पकड़ मुसलमान समाज पर है, मस्जिद में जाना उनका लगभग कंपलसरी है और सभी लोग जाते भी हैं और लाउडस्पीकर से वो आवाज भी निकालते हैं अर्ली मॉर्निंग जब हमारा ध्यान का समय होता है तब डिस्टर्ब करते और उनका फतवा वतवा जारी होता रहता है, दारुल उलूम और क्या जो भी है संस्था उनका फतवा जारी करते रहते हैं और फतवा इतना उसका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि उसमें आदमी का अगर जो विरोध करेगा उसका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, वो बहुत परेशान बहुत दुख मिलेगा उसको। ऐसा एक प्रकरण वही सहारनपुर जिले का ही किसी औरत का है जो कि इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए ठान लिया था और उसको फतवा जारी हुआ था कि चुनाव वुनाव नहीं लड़ना है तुमको और कुछ नहीं करना है। उसका पति से वो अलग हो गई और सब लोग उसको छोड़ छाड़ दिए, कोई मदद नहीं किया और अकेली पढ़ के एकदम तड़पती रही। ऐसा कहीं विवरण पढ़ा सुना पढ़ा था, थोड़े दिन हुए मैं, 4-6 महीने की बात है मुझे लग रहा है। तो इतना शक्ति है उनके फतवा में, धर्म संस्था जो भी है उनका वो एक व्यक्ति के लिए भी वो सक्रिय है। और सनातन धर्म में तो अभी ऐसी इतनी अव्यवस्था हो गई है कि कोई मंदिर जाए चाहे ना जाए कोई पूछने वाला नहीं, कोई भगवान का नाम ले चाहे ना ले, कोई पूजा करे ना करे कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए व्यभिचार बढ़ते जाएगा बहुत तेजी से। और गुरु जब तक शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो जाने से जो परिवारों के गुरु ब्राह्मण होते थे मार्गदर्शन करने वाले पुरोहित होते थे जो मिश्र होते थे जो भी होते थे, वो अब शहरीकरण होने के बाद वो सब वही छूट गए। सब पंडा परिवार के वो खाड़ी मिश्र थे, उनके दो लड़के थे निमाई मिश्र और रमाई मिश्र, दो लड़के थे वो सब इधर उधर हो गए। बुढ़ी अंचल हो गया वो हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट में सारे गांव पानी में आज आ गए तो सबको हटा दिया गया वहां से, सब तितर बितर हो गए। और फिर शहरीकरण होने से कोई किधर कोई किधर, गांव में तो सब लोग एक साथ रहते थे और जो खेती बाड़ी से जो अनाज आदि उत्पन्न होता था वो सबको उसका हिस्सा मिलता था, पंडित पुरोहित को अपना हिस्सा मिलता था, कमाने जो मजदूर काम करते थे उनको अपना हिस्सा मिलता था और जिसका खेत होता था उसका बड़ा हिस्सा उसका होता था, लेकिन मिलता सभी को था, कोई भूखा नहीं रहता था गांव में, गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता था। और गांव में जो बड़ा हिस्सा जो जमींदार गौतिया जिसको कहते थे होता है तो कोई भी कार्यक्रम होता है शादी ब्याह आदि उसके घर में तो सारा गाँव के लिए वहां पे दावत होता था, भोजी होता था। वो कोई हॉल तो बनाते नहीं, वहाँ वो सड़क में ही उसको पानी छिड़क के लिपाई पुताई करके बड़ा साफ सुथरा करके वहीं सब बैठ जाते थे एकदम फटाफट, और बढ़िया उसमें पतल में और वो सब करके बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान खाना वाना में सब वहाँ पे सबको परोसा जाता था। वो उत्सव जैसा आनंद उत्सव जैसा होता था, उत्सव था ही। तो ये हमारा सनातन धर्म का व्यवस्था पूर्ण था, लेकिन उसमें जो है बहुत सारी विकृतियां और व्यतिक्रम हो गए हैं और इतना अधिक हो गए हैं कि सनातन धर्म ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कि एकदम अस्तित्वहीन या कर्ताविहीन हो रहा है, उसका कोई संरक्षक नहीं दिखाई पड़ रहा। तो शंकराचार्य लोग संरक्षक हैं एक प्रकार से, लेकिन वो उनकी कोई शक्ति नहीं है एनफोर्समेंट का, लागू कराने की शक्ति ताकत नहीं है, जैसे दारुल उलूम का ताकत है वो इनका ताकत नहीं है उस तरह से, ना ये फतवा जारी करते हैं ना कोई चीज लागू कराते हैं। और धीरे धीरे लोग उनसे मिलना भी बंद कर दिए, यहाँ माघ मेला होता है तो आते हैं शंकराचार्य लोग और कहीं कहीं बाकी जगह कुंभ मेला होता है कुछ होता है तो वहां भी रहते हैं, उनका स्थान अपने अपने है, लेकिन वहाँ जैसे जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने तो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन वो सबके सब जा करके वहीं जो शंकराचार्य हैं उनका दर्शन करें पूरी में ऐसा लोग नहीं विचार रखते, खाली जगन्नाथ महाप्रभु के लिए दौड़ दौड़ के आते हैं, तो वहीं शंकराचार्य हैं तो उनका भी दर्शन करना चाहिए उनका उपदेश सुनना चाहिए, नहीं करते।
सिवा सिंगरी पीठ है और द्वारका में जो पीठ है और बद्रीनाथ में पीठ है और कहाँ का पीठ है सब वहाँ सब जाना चाहिए सबको, लेकिन नहीं होता है। तो अनुशासन की कमी है हिंदू धर्म में और मनमानापन बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो मनुस्मृति जो होशियार आदमी है जो अपना कल्याण चाहता है वो मनुस्मृति का अध्ययन करेगा और अपने को संभाल के रखेगा। तो वही मैं समझा रही थी कि जो कानून सरकारी कानून है उसका पालन करने से तुम्हारा सदगति नहीं होने वाला, उसका कानून सरकार का कानून मानने से खाली इतनी बचत है तुम्हारी कि तुमको वो जेल में नहीं रखेंगे, नहीं तो पकड़ के जेल में डाल देंगे या कोई जुर्माना ले लेंगे या तुम्हारा संपत्ति छीन लेंगे, इस तरह से परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर मनुस्मृति या भगवान के नियम को यदि नहीं मानोगे तो तुम्हारा गति इहलोक और परलोक दोनों गति खराब हो जाएगी, तो तुम्हारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, अगला जन्म तुम्हारा विकृत हो जाएगा, बहुत खराब जन्म हो सकता है, संभावना है यदि तुम धर्म को अपना नहीं मानोगे। तो सरकार इस बात को समझ करके धर्म की पालन की सुविधा प्रदान करना चाहिए सभी को कि सबकी गति अच्छी हो। और जब जो लोग सरकार में मंत्री बने हुए हैं और राष्ट्रपति बने हुए हैं उनकी भी वही गति होनी है जो तुम्हारी गति होगी, यह लोग और परलोक की दो गतियां उनकी भी है और वो भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा क्योंकि वो धर्म का पालन घर में अपना करते हो तो करते हो लेकिन सरकारी काम काज में तो नहीं करते। इसीलिए ये अनिवार्य है सभी मनुष्य समाज के लिए, ये धर्म कर्म करना अनिवार्य है, मनुस्मृति अनिवार्य है। तो ये बात सरकारी तंत्र को समझ करके सरकारी तंत्र को धर्म का पालन धर्म की सेवा करने का एक विभाग खोलना चाहिए, अनिवार्य रूप से खोलना चाहिए अपने कल्याण के लिए भी और लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को धर्म का रास्ता दिखाने का व्यवस्था करना चाहिए। लोगों को बार बार चेताना पड़ता है क्योंकि कलयुग में तो वैसे भी पाप कर्म करना सहज है, ये नियम है कलयुग का, जो युग धर्म है उसके अनुसार कलयुग में मनुष्य को पाप कर्म कर देना बहुत सरल है, जैसे कि नेचुरल है उसके स्वभाव में जैसे आ जाता है युग धर्म का प्रभाव से। तो ऐसे मनुष्य को तो और अधिक आवश्यक है मार्गदर्शन का। तो धर्मार्थ विभाग सरकारी तंत्र में होना जरूरी है, केंद्र सरकार में भी और प्रत्येक राज्य सरकार में भी होना चाहिए और वो सशक्त होना चाहिए और उसमें शंकराचार्य आदि के मार्गदर्शन से उसमें व्यवस्था किया जा सकता है कि कैसे धर्म का पालन हमारे देश के लोग करें। अपने अपने धर्म का पालन करें लेकिन हिंदू तो मेजोरिटी में है तो हिंदू धर्म का मुख्य रूप से पालन करें, बाकी लोग अपना अपना करें, वो तो कर ही रहे हैं मुसलमान और ईसाई अपना तो उनका तो चलता रहता है कार्यक्रम, तो चर्च में जाते हैं ईसाई, हमारे कोई ऑफिसर्स थे आईपीएस ऑफिसर केरला के ईसाई थे वो जाते थे चर्च। तो सनातन धर्म का खाली थोड़ा सा व्यभिचार बढ़ने वाली बात दिखाई पड़ता है तो उसको करना चाहिए कहा जा सकता है, लेकिन सब भगवान की कृपा है। हम तो यही कहते हैं हमको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमारा दृष्टा भाव रहता है, दृष्टा भाव रहता है तो हमारा तो आत्म कल्याण हो गया, हम तो जीवन मुक्त हो गए, हमारी कोई चिंता ही की बात ही नहीं, हम भगवान के साथ हो गए पूरा, हमारा पुनर्जन्म नहीं होना एकदम क्लियर बहुत सब स्पष्ट है, हमारी खाली परम गति होना है शरीर छूटने के बाद, अभी भी परम गति हो रखा है, हम जीवन मुक्त हैं, हमारा कोई बंधन नहीं है बिल्कुल किसी भी प्रकार का, दुर्गति होने का और कोई संभावना नहीं है, हमारा सदगति हो गया, खाली शरीर है शरीर छूटने वाली बात है, बाकी तो हम परम धाम में हैं, यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं और जब शरीर छूटेगा जो है तब भी हम भगवान के साथ हैं उनके धाम में रहेंगे। तो इसलिए हमारी तो बात पूरा हो गया है काम, तो इसलिए हमको अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोगों का कल्याण हो ये जो सर्वभूत हित रता नियम है कि सबका कल्याण हो ये हमारा स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है, भगवान यही चाहते हैं कि सबका कल्याण हो।
तो उसी दृष्टि से ये सब बातें बता रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि।